हेलो डियर एक्वेरियस, एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे, विडो या विडो बन रहे हैं, या कोई और रीजन रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, और ये रीडिंग 28 से लेकर 3 अक्टूबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और देखेंगे इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस राशि के लिए कि उनका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। तो रिसेंट पास आपका बता रहा है कि हो सकता है कि जो आपका रिसेंट पास, जो अभी अभी आपका समय जो बीता है, वहां कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला, एंजाइटी में फ्रेम में रहे, जिस पर आपने विश्वास किया था, जिससे आपने मोहब्बत की थी, तो उसी ने आपको धोखा दिया। काफी आपको लगा कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, स्वर्ण रूपी दीवार से घिर चुके हैं, जिस पर सबसे ज्यादा यकीन भरोसा हुआ, उन्होंने ही कुछ ना कुछ ऐसे किया जो आप झेल नहीं पाए, और चाहकर भी आप उन पर विश्वास नहीं कर पाए हैं, और लेकिन फिर भी आपको लगा कि चाहे उन्होंने आपके साथ कितना कुछ भी किया है, जब तक आप नहीं उठेंगे, नहीं चलेंगे, दोबारा से नए सिरे से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस अंधकार से, इस परेशानी, इस दुविधा से, जो परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो आपने फिर भी महसूस किया कि उन्होंने जो भी कुछ किया, आप उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, ताकि अंधकार के बाद जो छटना हो सकता है वो छटना हो सके, और धीरे धीरे करके अंधेरे, जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और जो है पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे करके, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, और दुखों के बाद सुख आते हैं। तो उसी सोच के साथ आपको लगा कि पहले आप सिंगल रहते हुए जब तक इन चीजों से छुटकारा नहीं मिल जाता, इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप उस सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, और तब तक आप सिंगल रहते हुए ही सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी खुशहाली इन सब चीजों पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपने महसूस किया आपको आपका फोकस रहा उन चीजों को ठीक करने में जिससे आपको परेशानियां और दुख तकलीफ मिला। तो आपने डिसाइड किया कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे सिंगल रहते हुए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको धीरे धीरे करके एक समय देंगे, एक वक्त देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जो अंधकार है, जो परेशानी है, जो दुविधाएं हैं, वो खत्म होंगी, और नए दुखों का अंत होगा, और नए सिरे से हो सकता है कि एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत फिर से हो जाए। तो आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, और आपको लगा कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आप सिंगल रहते हुए ही सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द डेविल, द हाई प्रिस्टेस एंड द जेरेट। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी यही बता रही है कि इस रिश्ते में काफी एडिक्शन का भी, लस्ट का, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, या
तो वो आपको एडिक्शन दे सकते हैं, लस्ट हो सकती है, काफी परेशानी दुख तकलीफ हो सकता है, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब तक वो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल नहीं हो जाता, दूर नहीं हो जाता, जो इस रिश्ते में जो लस्ट या एडिक्शन रहे हैं, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, जब तक उन चीज़ों से रिलीज नहीं हो पाएंगे, जब तक उन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपने जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आपको लगा कि जब तक आप समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अपना ध्यान यूनिवर्स में लगाएंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जब तक परेशानी है, जब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, हीलिंग नहीं होता, और आप अपने प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ा लेते, अपने स्ट्रॉन्ग विलिंग पावर को नहीं बढ़ा लेते, तब तक आपको अकेले चुप्पी और खामोशी के रहने में ही फायदा है। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, अगर आप धीरे धीरे करके इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपकी डेडिकेशन के साथ, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के, अगर आप चाहेंगे एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो इस रिश्ते में जैसा आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिल सकता है। अगर आप इस रिश्ते को चाहेंगे कि इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और अगर आप चाहेंगे तो कि हर हालत में आपको हार नहीं माननी है, जब तक इस रिश्ते से आपको छुटकारा नहीं मिल जाता, दूरियां नहीं बन जाती पूरी तरह से, जो रिलेशनशिप है या जिसके साथ रिश्ता रहा है, आप सिंगल नहीं हो जाते, तो इस तरह इन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि या तो उन रिश्तों को ख़त्म करने के लिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, आप फिर से सिंगल रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, फिलहाल के लिए अपना काम करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, जो हो सकता है कि उससे दूरियां बन चुकी हैं, आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे दोबारा से, फिर से, जो आप अपने आप को अकेला मान रहे हैं, सिंगल मान रहे हैं, उनके साथ रिश्ता ही नहीं आपका रहा है, तो दोबारा से आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, फिर से उनसे उनका आपका अच्छे संबंध हो जाए, ताकि आप सिंगल ना रहें और आपकी विश पूरी हो सके। तो इस तरह का आपका प्रेजेंट बता रहा है उन रिश्तों को ख़त्म करने का जो आपको बाधाएं दे रहे हैं, या फिर उन रिश्तों को जोड़ना जिससे आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं कि आप कमिटमेंट वगैरह दें, शादी कर लें, तो आप जो है आपका अकेलापन दूर हो और आप रिश्तों को आगे बढ़ा सकें। देख लेते हैं, अगर इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है आपकी लाइफ में। एक्वेरियस के लिए नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। जजमेंट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड चार कार्ड निकले हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो प्रेजेंट जो है कि नया पर्सन आप सोच विचार कर रहे हैं, और आप ओवर थिंकिंग में हैं, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, चाहकर भी आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी, क्योंकि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो शायद उसके साथ आपका झगड़ा चला हुआ है, वाद विवाद है, उससे आपका मेल जोल नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि या तो आप उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं, या सामने वाले जिसे आप एक फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में या रिश्तेदार के रूप में जानते थे, उसको अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से भी एग्री नहीं है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे रही है। चाहकर भी आप इस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उन पुरानी बातों को, उन गिले शिकवे को भुलाते हुए नए सिरे से एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, अगर आप एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ ट्रीट करेंगे, गेट टूगेदर करेंगे, इस पर अपने टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, यानी कि किसी परिवार फैमिली का सपोर्ट लेंगे या किसी नॉन पर्सन की मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, तो उनसे चैटिंग करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, एक साथ उनके साथ डेट्स पर जाएंगे, घूमना फिरना करेंगे, तो फिर से जो वाद विवाद है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपका रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो धीरे धीरे करके बात उन रिश्तों में सुधार होगा और रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, यानी कि फिर से कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी हो सकती है, कमिटमेंट वगैरह हो सकता है और सिंगल से आपका जो है एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, रिलेशनशिप आपका बन सकता है। तो कहीं ना कहीं उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, जो ओवर थिंकिंग है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो आपकी खुद की बनाई हुई है, आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए दिल और दिमाग से आपको काम लेने की ज़रूरत है और धीरे धीरे करके वाद विवाद बढ़ाने की बजाय किसी का सपोर्ट लेकर अगर नए सिरे से आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रीयूनियन गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो आपका जो है रिश्तों में सुधार हो सकता है, यानी कि एक नए पर्सन की एनर्जी आपकी हो सकती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके नए पर्सन के रूप में, नई एनर्जी के रूप में, हो सकता है कि वो पर्सन आपसे एज में छोटा हो, आप एज डिफरेंस हो, तो इस वजह से भी या तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, या फिर सामने वाला नहीं मान रहा हो, या आप नहीं मान रहे हो, या तो आप एज में छोटे या सामने वाला, एज डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, एक परिवार की तरह एक सही समय, सही वक्त आने पर लव रिलेशनशिप में जाएंगे, यानी कि कमिटमेंट वगैरह देंगे और शादी करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, खुशियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं। देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या हो सकती है। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। जी, जो पास्ट पर्सन है वो भी इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहता है, कामयाब बनाना चाहता है, प्रैक्टिकल इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहता है, खूबसूरत बनाना चाहता है, इसलिए वो इस रिश्ते को हील करना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, योगा एक्सरसाइज करना चाहता है, ताकि इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, एक दिन एक दूसरे को माफ़ कर सके, एक दूसरे से माफ़ी मांग ले। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जो है तुला राशि का हो, या फिर आप तुला राशि का हो जिसको हर हाल में जस्टिस पसंद है, न्याय पसंद है, तो वो इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाहता है, इसलिए हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहता है, ताकि इस रिश्ते में अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आए, यानी कि जो पास्ट पर्सन है वो भी आपके इस रिश्ते में आने के लिए रेडी और तैयार है, और नया पर्सन भी इस रिश्ते में आपके साथ एक पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे वो आपका पर्सनल मैटर है, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस होगी या मैसेज होगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। तो यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, या तो आपने उनको धोखा दिया या आपके पार्टनर ने, जिसको आप चाहते हैं, उसने धोखा दिया है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो इस रिश्ते में है। जब तक आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं करेंगे, तब तक इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि वो रिश्ता नहीं बन पाएगा। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना, भरोसा करना, और यहाँ पैसा भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब जब तक इन चीज़ों के लिए क्लियरिटी नहीं आ जाती,
जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य एक दूसरे से छिपा कर रखा है, आपको पहले क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं, शादी हो सकती है, कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है। पहले आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना सीखिए, सीधा और सरल रास्ता अपनाइए, कोई भी चालसाजी एक दूसरे के साथ मत कीजिए, तभी इस इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति से आप बाहर निकल पाएंगे। तो आज के लिए इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।